डिजिटली शुभारंभ करने की कृपा करें। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में पहली किस्त की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी। इसका सीधा वितरण होगा और संख्या की दृष्टि से आपसे साझा करें तो इसके अंतर्गत 1,06,880 लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि पहुंचेगी और ये राशि है 2,021 करोड़ रुपए की, जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस योजना के लाभार्थी किसानों में से कुछ एक इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पीएम किसान सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, जहाँ पहले किसान क्रेडिट कार्ड कृषि कार्यों से जुड़े किसानों को ही दिया जाता था, अब इसके अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित किसानों को भी शामिल किया गया है। आज इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी 3 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को मंच पर आमंत्रित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा उन्हें ये सम्मान पत्र प्रदान करें। सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से श्री कमलेश को। उत्तर प्रदेश से श्री माजिद, बिहार से श्री वशिष्ठ सिंह, गुजरात से श्री सुरेश भाई वसावा, हरियाणा से श्री बलराज, झारखंड से श्री इंद्र नारायण कुशवाहा, महाराष्ट्र से श्री गौतम चिरंतन पवार, तमिलनाडु से श्री टी राजेंद्रन, त्रिपुरा से तमिलनाडु से अब आ रहे हैं श्री टी राजेंद्रन, त्रिपुरा से श्री केशव रॉय, लास्ट
और उत्तराखंड से श्री जसपाल सिंह। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मत्स्य पालन के लिए उत्तर प्रदेश से श्री राम निवास। बकरी पालन के लिए उत्तर प्रदेश से श्रीमती मैना देवी। डेयरी योजना के लिए उत्तर प्रदेश से श्रीमती मेवाती देवी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी राष्ट्रव्यापी योजना पीएम किसान के शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश में किसान भाई बहन इसके साक्षी भी हैं, सहभागी भी हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ एक राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से बातचीत करेंगे और इस क्रम में सबसे पहले हम चल रहे हैं केरल। नमस्कारम केरल। हाँ बताइए। नमस्कारम ऐटों बहुमान प्रधानमंत्री मोदी जी एन्दे पेरे बेबीनाथ कुरुप ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ശ്രീകാര്യം പഞ്ചായത്തിൽ പൗഡിക്കണമെന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേരിന് 40 സെന്റ് ഭൂമിയുണ്ട്. ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരനാണ്. കൃഷി ചെയ്താണ് എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ അവിടെ ഏകദേശം ആൾക്കാരും കേരളത്തിൽ തന്നെ കൃഷിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് 50 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് താഴെയുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാവരും തന്നെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ 600,000 രൂപ കൃഷി യോജനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനും വിത്തിന് വളം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പൈസ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മേലോട്ട് പോകും. ഇനിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള പല സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം. ബഹുത് ബഹുത് ധന്യവാദ് ആപ്കാ. माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपसे बात कर रहे थे बेबीनाथ कुरुप जो पौड़ीकोणम से हैं। इनका 40 सेंट भूमि है जिसमें ये कंद फसल सब्जी और नारियल की खेती करते हैं। इनके 40 साल के ऊपर इनका एक्सपीरियंस है और ये आपसे मिलके ऐसे बात करने से ये बहुत खुश है और ये वही बता रहे हैं कि केरल के लिए ये आपका पीएम किसान योजना बहुत फायदेमंद रहेंगे क्योंकि केरल में 70 से 80% लोगों के पास भूमि बहुत कम होते हैं और ये जो 6,000 रुपये इनको मिल रहा है इसे ये खाद बीज और कीटनाशिनी सब इन्होंने खरीदा है और ऊपर से इनका दैनंदिक जीवन के ही नहीं बल्कि उनका कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है या कुछ स्वास्थ्य के रिलेटेड कुछ है उसके लिए भी ये खर्चा कर सकते हैं और ये बहुत खुश है। आज इनके अकाउंट में ये पैसा भी मिला है और ये अपने तरफ से और इधर मौजूद सभी किसानों के तरफ से आपको बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। केरल के सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और केरल के बाद अब हम चलेंगे कर्नाटक के बैंगलोर। देखते हैं वहां पर किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते कर्नाटका। नमस्ते प्रधान मान्य प्रधानमंत्री। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ರೈತ.
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಆವಳಿ, ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಕ್ಕಂತೆ 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಣ ಕೊಡ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಾಹುಕಾರದ ಹಣ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆಪ್ಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಕಿಸಾನೋ ಕಿ ಭಾವನಾ ಕೋ ಆಪ್ನೆ ಪ್ರಕಟ್ ಕಿಯಾ, ಮೇ ಆಪ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಆಭಾರಿ ಹೂಂ. और इसके बाद कर्नाटक के बेंगलोर के बाद हम चलेंगे कर्नाटक के ही पुत्तूर में, जहां पर किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं. नमस्ते. नमस्ते प्रधानमंत्री, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಸೇಡಿಯಾಪು. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಕ. ನಾವು ಗೇರುಬೀಜ, ಬಾಳೆ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೃಷಿಕರು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕರು, ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಯೂರಿಯಾ, ನೀಮ್ ಬೇಸಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆಪ್ಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿ ತೋ ಹಮಾರಾ ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್, ಕಿಸಾನ್ ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ನೇ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಥಾ ಕಿ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ ಸೇಡಿಯಾ ಬು. ಉನ್ಹೋನೆ ಉನ್ಕಾ ಖೇತಿ ಬಾಡಿ ಮೇ ಕಾಜು, ಕಾಲಿ ಮಿರ್ಚ್ ಔರ್ ನಾರಿಯಲ್ ಔರ್ ಸುಪಾರಿ ಕಾ ಖೇತಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಉನ್ಹೋನೆ ಯೇ ಕಹರಾ ಕಿ ಆಪ್ಕಾ ಜೋ ಭೀ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಯೇ ಜೋ ಯೋಜನಾ ಹೈ ಉನ್ಸೆ ಯಹಾಂ ಕಾ ಛೋಟಾ ಛೋಟಾ ಕಿಸಾನೋಂ ಕೋ ಬಹುತ್ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಹುವಾ ಹೈ. ಜೈಸಾ ಆಪ್ನೆ ನೀಮ್ ಲೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಭೀ ಉನ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹೈ. ಔರ್ ಆಭಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ತೇ ಹುಯೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಆಶಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕಿಯಾ ಕಿ ಆಪ್ಕಾ ಯೇ ಯೋಜನಾ ಸೆ ಬಹುತ್ ಕುಛ್ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಮಾರಾ ಕಿಸಾನ್ ಭಾಯಿಯೋಂ ಕೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಸುವಿಧಾ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಇಸ್ಕೆ ಸಾಥಿ ಉನ್ಕೋ ನೇ ಬಾತ್ ನೇ ಖತಮ್ ಕರ್ ದಿಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಔರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಅಬ್ ಹಮ್ ಚಲೇಂಗೆ ಒಡಿಶಾ ಕೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಜಹಾಂ ಕೆ ಕಿಸಾನ್ ಭಾಯಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾರತ್ ಹೈ ಔರ್ ಲಾಲಯಿತ್ ಹೈ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ಸೆ ಸಂವಾದ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ್. ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମର ମୁଁ ଗୌରୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର କହୁଛି. ଆମେ ଫାର୍ମରର 240 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ. ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଧାନ, ଭେଜିଟେବୁଲ, ମସରୁମ୍ ଏବଂ ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରୁଛୁ. କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 4.5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 2 ଗୁଣା ଇନକମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ. ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଆମ ପାଖକୁ ଫେରେ ଆସନ୍ତୁ. नमस्कार. उन्होंने सर ये गौरी महापात्र जी है जो कि पूरी जिले से आई है और उनके पास एक स्वयं सहायक गोष्ठी है जिसमें सर 242 का मेंबर है.
फार्म वुमेन का ग्रुप और प्रोड्यूसर ग्रुप भी बनाने जा रही है। वो धान का खेती का साथ सब्जी का खेती भी कर रहे हैं और मशरूम भी कर रही है सर। और उन्होंने सर बोले कि आपका 4.5 साल में जो काम किए हैं प्रधानमंत्री साहब, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जितना सारा कार्यक्रम किए हैं उनमें क्षुद्र छोटा और उनका चासी और किसान महिलाओं को बहुत सारे उपलब्धियाँ हुआ है और बहुत लाभान्वित हुए हैं। आशा करते कि सर आपका हमारा जितना भी मतलब डेढ़ गुना से दो गुना हमारा जो किसान का आय है वो बढ़े। और आपको जगन्नाथ से मंगल में बोल दे कि आप अगेन हमारा प्रधानमंत्री बने सर, और किसान जो कल्याण उनको सर आगे बढ़ा के ले चले, ये हमारा भगवान जगन्नाथ के पास प्रार्थना है सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद, जय जगन्नाथ। ओडिशा में भुवनेश्वर के बाद पश्चिम बंगाल के किसान बहुत ज्यादा उत्सुक है माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए। तो अब हम चलेंगे पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर। पश्चिम बंगाल, नमस्कार। नमस्कार सर, भालो आछी? हाँ सर, भालो आछी, भालो आछी। प्रणाम आपको। मैं मौसमी दास हूँ, मैं पश्चिम बंगाल साउथ 24 परगना में रहती हूँ। मैं खेती बाड़ी करती हूँ, मेरे पास 5 बीघा जमीन है। मैं सीड प्रोडक्शन का काम करती हूँ और मेरे पास 150 ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैं उन महिला के लिए खेतीबाड़ी के साथ जुड़ना चाहती हूँ। और इससे पहले हमको आपका जो फसल बीमा योजना था और किसान क्रेडिट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड का सुविधा मिले थे, उससे भी ज़्यादा सुविधा मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से। मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि ये योजना पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द लागू हो, ताकि हमारा किसान भाई और बहनें इसके साथ जुड़ जाए और इसके लाभ ज़्यादा उठाए। हम ज़्यादा ब्याज में रुपया जो लेते थे, इससे ये जो साल में हम 6,000 रुपया मिलेगा हमारा, इससे हमारा ब्याज ज़्यादा कम हो जाएगा। हम जो काम करते हैं उससे मुनाफा भी ज़्यादा होगा। इसके लिए आपका शुभ हाथ में जो आज ये योजना उद्घाटन हुआ है, इसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बहुत बढ़िया बंगाल में रहने हुए एक हिंदी बोल रही है, मैं आपको बधाई देता हूँ। और इतना अच्छा काम कर रही है आप इतनी सक्रियता से, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और बंगाल सरकार भी जल्दी से जल्दी एक किसानों की सूची बनाए, ताकि किसानों के खाते में पैसे जाए। आप भी जरा वहाँ बंगाल की सरकार पर दबाव बनाइए, ताकि वहाँ के किसानों को भी लाभ मिले, बंगाल के किसान भी वंचित नहीं रहने चाहिए। आपके इस सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने भी किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।